नवंबर 2017 को बैतुल खला के आलमी दिन के तौर पर मनाया गया, जिसका मौजू था वेस्ट वाटर एंड फिकल स्लज मैनेजमेंट, यानी गंदे पानी और अखराज वाली कीचड़ का इंतजाम। क्या आप जानते हैं कि फिकल स्लज मैनेजमेंट क्या होता है? दरअसल इंसानी फुजले को मुनासिब तरीके से ठिकाने लगाने के मुनासिब और मौसर निजाम को फिकल स्लज मैनेजमेंट कहा जाता है, ताकि इंसानी फुजला बगैर किसी रिसाव के महफूज तरीके से जमा होता रहे और ये किसी भी किस्म की आलूदगी का सबब न बन सके। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इंसानी फुजले का इलाज क्यों जरूरी है, तो हम आपको बता दें कि इंसानी फुजला बढ़ती आलूदगी की एक बड़ी वजह है। भारत में खुले में रफ़े हाजत की शरह दुनिया की 60% है। शहरी तरक्की की वजारत के मुताबिक गैर कानूनी पसमानदा बस्तियों में 51% घरों में बैतुल खला नहीं है। ऐसे में ये लोग खुले में रफा हाजत करने पर मजबूर हैं और फिर ये फुजला खुली नालियों और दीगर आबी ज़खायर में बहता है। इससे पानी, जमीन और हवा में आलूदगी में इजाफा होता है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि इंसानी फुजले का मुनासिब निपटान क्यों जरूरी है। जी हाँ, स्वच्छ भारत मिशन के तहत हुकूमत ने खुले में रफे हाजत पर काबू पाने के लिए काफी हद तक कामयाबी हासिल की है। इससे लोगों में बैतुल खला के इस्तेमाल के बारे में आगाही भी बढ़ी है। गुज़िश्ता चंद सालों में दूर दराज के गाँवों में हुकूमत की मदद से करोड़ों बैतुल खला घर घर बनाए गए। इससे उन मजबूर लोगों को राहत मिली जो खुले में रफे हाजत करते हैं। इसी के साथ साथ इसे खवातीन की हिफाजत के हवाले से भी एक बड़े इकदाम के तौर पर देखा गया। लेकिन सिर्फ बैतुल खला का इस्तेमाल ही गंदगी दूर करने का मुकम्मल हल नहीं है। अपने मुआशरे और मुल्क को अपने साथ साफ रखने के लिए इंसानी फुजले को मुनासिब तरीके से ठिकाने लगाना भी जरूरी है, तभी हम अपने पानी, जंगल और जमीन को साफ रख सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि इंसानी फुजले का सही इंतजाम कैसे किया जाए। दर हकीकत एक मिसाली निकासी सिस्टम पूरी तरह से लीकेज से पाक और जेरे जमीन पाइप के नेटवर्क पर मुश्तमिल होता है, जिसे हम सीवर नेटवर्क कहते हैं, और साथ ही इसमें एक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट भी होता है। भारत की एक तिहाई शहरी आबादी जो बुनियादी तौर पर महानगरों में रहती है, उसके लिए ये सिस्टम दस्तयाब है। अगर बात करें छोटे कस्बों और देहात की, तो यहाँ ज्यादातर लोग एक मुख्तलिफ किस्म के सीवरेज सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं, जिसे ऑन साइट सिस्टम भी कहा जाता है। इसमें एक सेप्टिक टैंक या गड्ढा होता है। भारत के कई घरों में यही सिस्टम आम तौर पर इस्तेमाल में आता है। इस सिस्टम के तहत इंसानी फुजले के महफूज जमा करने, नकलो हमल और इलाज के लिए सेप्टेज मैनेजमेंट भी होता है। एक खास अमल के तहत इसमें अखराज को खास गाड़ियों से ट्रीटमेंट प्लांट तक ले जाया जाता है, जहां उसका महफूज और कारगर इलाज किया जाता है। 2011 की मर्दमशुमारी के मुताबिक सिर्फ 32.7% शहरी कुंबे पाइप वाले सीवर सिस्टम से जुड़े हैं, जबकि 38.2% कुंबे अपने अखराज का निपटान सेप्टिक टैंक और 7% गड्ढे वाले बैतुल खलाओं में करते हैं। आदादोशुमार के मुताबिक हमें इस समत में और ठोस इकदाम करने की जरूरत है। ऐसे में इस हदफ को हासिल करने की राह में कई बड़े चैलेंजेस हैं, जिन्हें पूरा किए बगैर सफाई के ख्वाब को हकीकत में तब्दील नहीं किया जा सकता। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड यानी CPCB के मुताबिक भारत के 8000 कस्बों में से सिर्फ 160 कस्बों में ही सीवेज सिस्टम और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट दस्तयाब हैं। ऐसे और नए प्लांटों की तामीर जरूरी है। सर्वे से ये बात सामने आई है कि पुराने ऑनसाइट सिस्टम की सही तरीके से तामीर नहीं की गई। ये हुकूमत के जरिए जारी सेप्टिक टैंक और पिट के मयारी डिजाइनों पर मबनी नहीं है। खराब डिजाइन वाले इन गड्ढों से पीने के पानी के आलूदा होने का इम्कान बना रहता है। ऐसे में नए बैतुल खलाओं के साथ साथ पुराने बैतुल खलाओं की मरम्मत का काम भी जरूरी है। कस्बों और गाँवों में अखराजी फुजले को आज भी हाथों से उठाया और ढोया जाता है, इससे बीमारियों का खतरा बढ़ता है। लिहाजा फुजले का इंतजाम खास गाड़ियों से किया जाना जरूरी है। ऐसे में ग्राम पंचायत और बल्दियात में सीवरेज ले जाने वाली गाड़ियों की तादाद को यकीनी बनाया जाना चाहिए। हुकूमत के साथ साथ हमारी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं, जिन्हें निभाकर हम खुद को बीमारियों से और बढ़ती आलूदगी से बचा सकते हैं। इसलिए हमारे लिए भी ये जरूरी है कि हम अखराजी फुजले के इंतजाम को लेकर कुछ एहतियात बरतें, जैसे
खुले में रफ़े हाजत का बाइकॉट करें, अपने घरों में बैतुल खला की तामीर कराएं, पुराने सेप्टिक टैंकों की मरम्मत कराएं, टैंकों की मुसलसल तौर पर सफाई कराएं, सफाई से आगाह रहें और हुकूमत के जरिए फराहम करदा मदद से इस्तिफादा करें। स्वच्छ भारत मिशन के तहत हुकूमत ने गांव में बैतुल खलाओं की तामीर के लिए गरीबों को सब्सिडी देने जैसे कई काबिले तारीफ इकदामात किए हैं। शहरों में भी सफाई के हवाले से ठोस पॉलिसियां मुरतब की गई हैं। हुकूमत ने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांटों की तामीर के लिए सरमायाकारी में इजाफा किया है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत लोगों की आगाही पर खास तवज्जो मरकूज करते हुए इश्तिहारात पर बड़ा बजट रखा गया है। याद रखिए, सफाई का सीधा ताल्लुक इंसानी सेहत से है। अगर इंसानी अखराज का इंतजाम और इलाज सही तरीके से नहीं किया जाता है तो ये फूड चेन में शामिल होकर उसे बहुत ज्यादा आलूदा कर सकता है और हमारी सेहत पर मनफी असर डाल सकता है। इसलिए सफाई के तई आगाह रहें और अपने माहौल को साफ सुथरा बनाएं, क्योंकि सफाई हमारा फर्ज ही नहीं, हमारा हक भी है।